बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनईटी के एंट्री टेस्ट के बारे में। हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2015 का, और मैथमेटिक्स का जो है वो पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो एनईटी के एंट्री टेस्ट में आ चुका है। टोटल मैथ के 25 एमसीक्यूज आते हैं हर ईयर, और अभी जो है हम सॉल्व करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज, और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से जो है वो इनकी ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, और कंप्लीट मेथड आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप अपना पास पेपर 2015 का अपने सामने खोल लें, ओपन कर लें। उसकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज की, लेकिन एमसीक्यूज यही होंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है कि द इमेजिनरी पार्ट इन द एक्सप्रेशन। अच्छा, हमें जो है वो इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अगर आपको मालूम हो तो हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं आयोटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसमें होता यह है कि बेसिकली हमें जो है इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इसे बहुत इजीली मैं निकाल लेता हूँ। ये है मेरे पास इस तरह से, तो मैं इसे इस तरह से जो है ये मैं जो है वो इजीली सॉल्व कर लूँगा। और देन जो देख सकते हैं, मैंने जो है वो इसे स्प्लिट कर दिया है इसके एलसीएम को। अब क्या होगा, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2/5 आयोटा, यही होगा। अच्छा देखें, जिस चीज़ के पास साथ जो है वो आयोटा नहीं लगा होता उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये है रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, माइनस 2/5। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब आंसर जो ऑप्शन होते हैं इनमें आयोटा नहीं लगा होता है। इमेजिनरी पार्ट जो बोल दिया ना कि इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी लफ्ज ही हमें डिफाइन कर रहा है कि इस चीज़ के साथ आयोटा लगा हुआ है। अगर हमें ये ना बोला जाता इमेजिनरी और बोल देता कि पार्ट मालूम करें और आयोटा लगे हुए हो तो यहाँ पर सब में, तो हमें पता चल जाता तब भी कि हमने इमेजिनरी पार्ट ही मालूम करना है। तो गाइस, ये इस तरह से अब जो है सेम एमसीक्यू सो में भी हो सकता है कि आ जाए, लेकिन थोड़ा चेंज ये हो सकता है कि अब आपको ये कह दिया जाए कि आप रियल पार्ट फाइंड करें। द रियल पार्ट इन द एक्सप्रेशन इज़, अगर रियल पार्ट बोल दें तो कैसे मालूम करेंगे, ऐसे सेम एलसीएम को स्प्लिट करेंगे, रियल पार्ट निकल आएगा, इमेजिनरी पार्ट निकल आएगा। जो आपको पार्ट बोला होगा फाइंड आउट करने के लिए, वो आप जो है वो ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू नंबर टू है, ड्यूरिंग अ 5-day एग्जीबिशन द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रिपल ईच डे। सही है, यानी 5 दिन का कोई एग्जीबिशन है उसमें जो है वो जो विजिटर्स हैं ना वो ट्रिपल होते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है और आज 5 दिनों तक ये चलेगा, तो आज इतने लोग हैं इनका कल जो है वो ट्रिपल हो जाएंगे, परसों फिर ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब ट्रिपल होते जाएंगे 5 दिनों में। तो ट्रिपल ईच डे, हर दिन जो है वो ट्रिपल होंगे। देयर आर 345 विजिटर्स, टोटल 345 लोग जो इस एग्जीबिशन में जो आए हैं ऑन थर्सडे वाले दिन। तो हाउ मच विजिटर्स विल बी देयर ऑन संडे। अच्छा, बहुत ही आसान है, थर्सडे और संडे यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें लेना होगा। थर्सडे वाले दिन है हमारे पास 345 विजिटर्स। अब थर्सडे, ये है थर्सडे वाले दिन, थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के ट्रिपल हो रहे हैं ईच डे। ट्रिपल यानी थ्री टाइम्स इंक्रीमेंट हो रही है हर दिन। तो फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, सैटरडे के लिए भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और संडे के लिए भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन जो है वो रिज़ल्ट जो भी आएगा वो इसका जो है वो आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है 9315, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अच्छा, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर दिन जो है वो 5 दिन का एग्जीबिशन है, हर दिन जो है वो अमाउंट जो है वो डबल हो रही है, जो विजिटर्स हैं वो डबल हो रहे हैं। तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास विजिटर थे 345, तो मैं अगर बोलूं आपको फ्राइडे वाले दिन कितने हो जाएंगे विजिटर्स, डबल हो रहे हैं ना, सॉरी डबल नहीं ट्रिपल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट डे अगर मैं आपको बोलूं कि थर्सडे वाले दिन 345 हैं, फ्राइडे को कितने हो जाएंगे, तो ट्रिपल हो रहे हैं, तो 345 मल्टीप्लाई बाय
3, जो भी अमाउंट आएगी। अब मैं बोलूँ कि सैटरडे वाले दिन कितने हो जाएंगे, तो अगेन वो ट्रिपल हो जाएंगे। संडे को बोलूँ अगेन वो ट्रिपल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, चेंजेस ये कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 4 times बोल दिया जाए, डबल बोल दिया जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और कॉन्सेप्ट ये रहेगा आपके सामने। अच्छा, अब MCQ नंबर 3 ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव इफ़। अच्छा, हमें जो है ये जो कोई फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव तो बहुत इजीली हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में अभी हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का चैप्टर जो है वो पढ़ा है। तो डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है 1+x² का, d/dx विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करूँगा ना, क्योंकि फंक्शन में हमारा x मौजूद है, अगर y होता तो y लेता। अच्छा, ये चीज़ें जो है यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर शो करने की आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। अच्छा, डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव के लिए क्या आपको मालूम होगा कि सबसे पहले मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दी पावर। अब डेरिवेटिव क्या कहता है कि पावर पहले लिख दीजिए, आप लिख दें, और डेरिवेटिव के लिए पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 1+x² -1/2। और पावर के अंदर जितना भी जो चीज़ें बची हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, उनका डेरिवेटिव भी ले लीजिए। 1 का 0 है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, डेरिवेटिव क्या कहता है, पहले पावर को लिख लीजिए, पावर को लिखा, फिर फंक्शन लिखिए और फंक्शन के पावर में से एक माइनस कर दीजिए, 1/2 में से माइनस किया 1, और जो फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव लीजिए। 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये x बचा ऊपर x, और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो जब आप इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। तो अगर 1/2 की जगह मैं लोड लगा दूं तो वही चीज़ हो जाएगी, तो ऑप्शन है आपका आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लिमिट दी हुई है हमें sin 3x और sin 7x। अच्छा, अगर सेकेंड ईयर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin x/x, और अगर इसकी लिमिट है x=0, देन हम कहते हैं कि ये 1 के इक्वल है। ये फार्मूला अगर आपको याद आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं एक थोड़ा यूज़ करके दिखाता हूँ। लिमिट दी हुई है, एक्स है 0 और sin 5x, और यहाँ पर भी 5x होना चाहिए 1। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर 1x है ना, 1 नज़र नहीं आ रहा ऑब्वियसली, लेकिन 1 है, 1x है तो नीचे भी 1x है, 5x है देन नीचे भी 5x होना चाहिए, देन जो है वो ये फॉर्मूला आपका इक्वल होगा 1 के, अदरवाइज़ ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, सेम चीज़ करनी ये पड़ेगी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ को अभी मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। sin 3x और ये है मेन डिवाइड की साइन, ये वाली sin 7x। अब मैं क्या कर दूँ, अगर मैंने x से डिवाइड कर दूँ तो ये वापसी x से कैंसिल हो जाएंगे, वापसी वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक समझ गए आप? अब चाहिए मुझे यहाँ पर कोफिशेंट जो कि सेम बन जाए और देन फार्मूला जो है मेरा इम्प्लीमेंट हो सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई भी किया, 7 से डिवाइड भी कर दिया, ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ बन गई 1 बन गई ना फार्मूला के मुताबिक। ये देखें फार्मूला क्या है, तो 3 और यहाँ पर 1 आ गया फार्मूला के मुताबिक, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 3 × 1 = 3 और 7 × 1 = 7, तो ये 3/7। गाइस, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है, सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमें,
किसी सर्किल की क्वेश्चन दी है, तो सेंटर मालूम करना है बेसिकली, सेंटर मालूम करना है। तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पहले लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप आपको याद नहीं है तो आप जो है वो आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब देखिए सेंटर मालूम करना है तो हम हमेशा आपने भी ये जब एक्सरसाइजेस सर्किल का चैप्टर जब आपने किया होगा सेंटर मालूम करते होंगे तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, वन है, वाई का भी वन है, तो मुझे यहाँ पर जो है कोफिशियंट को वन बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टू से डिवाइड कर दूँगा इस पूरी इक्वेशन को ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक जो है इक्वेशन बन जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0 और डिवाइड बाय 2, तो ये करूँगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x बन जाएगा प्लस 4y बन जाएगा और प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब ये देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये इसके कोफिशिएंट जो है वो मैच कर रहे हैं x और y के, एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के दोनों के कोफिशिएंट जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच हो रहे हैं। अब हमें जो है इजीली हम सेंटर मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इन चीज़ों को और इस चीज़ को जो है वो कंपेरिजन कर लेंगे। 2gx इक्वल टू माइनस 2x, तो ये 2 से जो है वो 2 कट जाएगा और एक्स एक्स कट जाएगा, जी इक्वल टू माइनस 1 और जी इक्वल टू माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब हमें मालूम करना है एफ, तो 2fy 4y 2fy और इक्वल टू 4y, y से y कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, f इक्वल टू आ गया 2, तो माइनस 1 g इक्वल टू माइनस 1 और f इक्वल टू 2। पहले जो है वो हम लिखते हैं g की वैल्यू लिखते हैं, तो माइनस 1 और देन जो है 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जो मैंने कुछ कीज वगैरह देखी हैं 2015 की उनमें आंसर दिया हुआ है डी, ऑप्शन नंबर डी जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और आपके सामने मैंने जो है वो स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, कुछ ऐसे पास पेपर हैं जिनमें जो है 2015 के ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है, कीज दी भी होती हैं सॉल्व कीज, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको बताता चलूँ ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही। अच्छा अब हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। देखें सबसे पहले जो चीज़ है ना मेन चीज़ वही नोट किया करें, पैराबोला की बात हो रही है, पैराबोला यहाँ सर्कल की बात हो रही थी, फौरन सर्कल को हाईलाइट किया मैंने, तो यहाँ हो रही है पैराबोला की बात और लेटेस्ट रेक्टम की। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए अलग है, हाइपरबोला के लिए अलग है, पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें जो इक्वेशन दे दी है पैराबोला की, अब उससे जो है उस अब देख सकते हैं इक्वल के बाद 4ax है ना, तो मैं इसे इक्वल के बाद ले जाता हूँ ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो सेम बन जाए। तो जब मैं 12x को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो इसकी साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाकर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये सेम बन गई है, तो मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ, माइनस 12 और 4a, 4a इक्वल टू माइनस 12, 4 1 4 4 3 12 और a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस थ्री आ गई और अच्छा अब ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ये है 4a, तो a की क्या वैल्यू निकली है -3, 4 3 12 और माइनस ट्वेल्व आ गई। तो ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ये और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला था ये 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला था ये 4a और a की वैल्यू मुझे निकाल फाइंड आउट करना ज़रूरी थी, तो वो मैंने फाइंड आउट की और देन जो है वो इस 4a के फॉर्मूले में मैंने a की वैल्यू को पुट किया और आंसर आ गया ऑप्शन डी -12। गाइस क्वेश्चन नंबर 7, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन के बाद जो है जो भी रिजल्ट आएगा हम उसके साथ कांस्टेंट नंबर लगाते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट को मालूम करना है, उस रिज़ल्ट को इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया fx,
तो हमें इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन मैं उसको पहले लिख देता हूँ। अच्छा, आपने सेकंड ईयर में एक चीज़ पढ़ी होगी, वो ये है कि आपके पास इंटीग्रेशन में कोई चीज़ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और अपॉन में कोई चीज़ वैल्यू है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करा दूँ और वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है और 1 का 0 है, तो हम लोग ये करते थे 1/2 ऐसे लिखा और ln लगा दिया, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया और प्लस c लगा दिया। अच्छा, ln क्या कहता है, ln कहता है, ln log है ना, ये log फंक्शन है, तो log का जो रिज़ल्ट आता है कोई पावर को वो क्या कहता है कि कोई कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे पावर बना देता है। ln के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 1/2 थी तो इसने पावर बना दी, क्योंकि आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अब मुझे ऑप्शन में मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है, तो मुझे ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखें। अब मुझे पावर के फॉर्म में दिया हुआ था, तो मैं ऑब्वियसली ये वाला स्टेप भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉग का क्या क्या फंक्शन है। अगर आपको ये फंक्शन नहीं पता होगा तो आप ये ढूंढ रहे होंगे और आप नन पे जो है वो क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगेन मैं आपको बता दूँ, लॉग का फंक्शन है वो कोई भी चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो नंबर जो है वो उसे पावर में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ 1/2 उसने पावर बना दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर ऑप्शन में ये दिया होता तब भी ये सही था, ये दिया तो ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन ऑफ फिलिप्स की, हूज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस की बात हो रही है, तो वर्टिसेस मैं पहले आपको बता दूँ कि वर्टिसेस को जो है हम सेकेंड ईयर की बुक के अकॉर्डिंग प्लस माइनस सी कॉमा जीरो से डिनोट करते हैं। अच्छा, सी कॉमा जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 5,0 दिया है, और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि इसका एक्सिस एक्स पर है या वाई पर है, ये आपको पता चलना चाहिए। और लेटेस्ट सेक्टम दिया हुआ है, तो लेटेस्ट सेक्टम का एलिप्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² / a = 2b² / a। अच्छा, यहाँ पर लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू दी हुई है 3, मैं ही लिखी, और यहाँ पर क्या दी हुई है, प्लस माइनस 5,0। वर्टिसेस जो है वो बेसिकली माजरत के साथ यहाँ पर जो है मैंने सी के साथ डिनोट किया, यहाँ पर ए होता है वर्टिसेस, और दरअसल मैं कंफ्यूज हो गया था इस वर्टिसेस को देखकर, तो मैंने जो है वो चलपासी में आपको सी कह दिया। तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो हमें हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और 3, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल आएगा आपका b² की वैल्यू निकलेगी 15/2, a² की क्या वैल्यू निकलेगी, a की 5 है तो a² हो जाएगा 25। अब आप जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, x² / a² + y² / b² = 1, ये इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आएगा। या आपको जो है आपका टास्क है, आपने इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन में जो है वो ए की जगह 25 पुट करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 15/2, तो देन जो है एलसीएम लेंगे और कुछ कैंसिल होंगे नंबर्स आप इसमें, तो आपका जो है सिंपलीफाई करेंगे ना तब, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी आपको, वो ये है कि देखें वर्टिसेस हमें बता रहा है कि इसका जो एलिप्स का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि वर्टिसेस यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे दिया है ना, अगर ये 0, ±5 पे दिया होता तो एक्सिस वाई होता, तो फिर ये ए और बी जो है वो अपनी रिप्लेसमेंट हो जाती, इनकी चेंज हो जाती प्लेस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एनडी के पास पेपर्स 2015 में आ चुका है, एरिया मालूम करने हैं और हमें लिमिट्स भी दी हुई हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसा कि आपने सेकंड ईयर इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, एरिया मालूम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे,
y पर भी इंटीग्रेशन और बहुत सारी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, और ये बन जाएगा एरिया। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये चीज़ जब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, जब ये ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन में रूल ये है कि किसी चीज़ की होल पावर अगर आ गई, होल पावर के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पर मौजूद है इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, देन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को।